मॉर्निंग, सत श्री अकाल आदाब। तो कैसे हैं आप? तो आज लेके के चलते हैं आपको घुमाने गन हिल। आपने सुना ही होगा गन हिल, जो कि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो भाई काफ़ी चढ़ाई का रास्ता है, काफ़ी कुछ तो चढ़ लिया, अभी काफ़ी चढ़ना बाकी है। और यहाँ से मसूरी ऐसे दिखता है, बिल्कुल बहुत ही ऊंचे। वाओ, व्हाट अ सीन यार। भाई उतरते वक्त वीडियो बनाना आसान नहीं है, इसलिए मैं इसको जेब में रख के तब नीचे उतरता हूँ। कहीं पता चले भाई कि ना ये कैमरा रहा और मेरी टांगे वांगे दो चार हो गई। तो उतरने के बाद मिलता हूँ। चुका हूँ मैं 8-10 मोड़ ऊपर, और ये वाला रास्ता जाएगा आपके क्लब महिंद्रा, और मैं जाऊंगा इस रास्ते से। हाइट पे पहुंच चुका हूँ और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होनी शुरू हो गई है, तो क्यों ना सर को ढक लिया जाए। जैसे कि अब मैं लगभग पहुंचने ही वाला हूं गन हिल पे, और हे मसूरी से इसकी हाइट का आप अनुमान लगा ही सकते हो, लगभग 2122 मीटर हाइट पे है ये। बाकी दिखाते हैं आपको चोटी पे पहुंच के, यहाँ से देहरादून का व्यू भी देख सकते हैं। थोड़ा बादल लगे हुए हैं लेकिन दिख जाते हैं। अरे मेरी फाइनल सीढ़ियाँ, गन हिल। तो दुकानें हो रखी हैं आजकल बिल्कुल बंद,
COVID-19 के चलते ना तो यहाँ काफ़ी लोग आए रहते हैं, बिल्कुल फुल रहता है यहाँ पे माहौल। और देखो सबसे ऊंची चोटी के ऊपर अगर ऐसी दुकानें मिल जाएं, रेस्टोरेंट मिल जाएं, तो मजा ही कुछ और। मैं गन हिल मसूरी की एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताते चलो कि इस जगह का नाम गन हिल क्यों पड़ा। ये पर्यटन की दृष्टि से भारत में एक विख्यात स्थल है और आजादी से पहले यहाँ क्या हुआ करता था, यहाँ तोपें लगी रहती थी। तोपें, सही सुन रहे हो, तोपें लगी रहती थी और उन तोपों से समय समय पर फायर किया जाता था। फायर क्यों किया जाता था, जितने भी यहाँ के आसपास के इलाके हैं, इवन की टिहरी गढ़वाल तक, टिहरी गढ़वाल की पहाड़ियाँ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, वो सामने टिहरी गढ़वाल की पहाड़ियाँ, तो वहाँ तक उस तोप की आवाज़ आती थी। तो इससे क्या करते थे कि जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग अपनी घड़ियाँ मिला लिया करते थे कि अभी कितना टाइम हो गया है। जैसे कि क्लॉक टावर हुआ करते हैं जो कि एक समय अंतराल या हर घंटे बाद उस पर बेल बजती है, उससे लोगों को पता चल जाता है कितना टाइम हो गया। तो यह भी एक तरह की बहुत बड़ी घड़ी थी जो कि तोपों के रूप में अपनी किट किट की आवाज़ देती थी। वाह, अब आने वाला है कोहरा, तो मुझे लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी जगह हैं जो मैं आपको अभी दिखा नहीं पाया, जितना आपको दिखा पाऊँ। और यह है ट्रॉली, दो रास्ते हैं, मैं तो पैदल आया, एक है ट्रॉली से। जो लोग नहीं आ पाते हैं या बहुत कम लोग आ पाते हैं पैदल, काफ़ी चढ़ाई है, तो टूरिस्ट लोग ज़्यादा ट्रॉली से आते हैं। मार्केट फर्स्ट, पीछे मार्केट सेकंड, ये रहा। लेकिन अब तक बिल्कुल सुनसान पड़ा है, COVID-19 ने सबके लगा के रख दी। हंटेड हाउस, देखो भाई मसूरी की सबसे ऊंची चोटी और उसके ऊपर हंटेड हाउस भी, वाह अमेजिंग। मसूरी गन हिल से पीछे का व्यू जो कि सामने दिख रहा है टिहरी गढ़वाल, और यहाँ ये जो है ये टेलीस्कोप से बहुत ही अच्छा दिखता है। आजकल तो कोई टेलीस्कोप वाले हैं नहीं यहाँ पे, और हम ऊपर बादल नीचे है। मुझे एक और पहाड़ी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको हमेशा की तरह फतह करूँगा। लेकिन भैया आपको लगता है क्या ऐसे में चढ़ पाऊँगा मैं, यार मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं, इसके सहारे चढ़ने वाला हूँ। Finally I am on the top. चल लिया भाई,
दूसरी पूरा ढक चुका है, नहीं तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू दिखता था आपको। Oh my God. यहाँ से लगभग 300 मीटर का गहरा है रास्ता, नीचे देख सकते हो। नहीं, क्योंकि अब मुझे पहाड़ी से नीचे भी उतरना है तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।